हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 9th ऑफ मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करने जा रहे हैं, तो और इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, एक बार क्लास में जुड़ के देखो, करंट अफेयर सही में मैं याद करवा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से करंट अफेयर याद हो जाएंगे। ओके, और प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है, आप कॉन्टेंट देखो, कॉन्टेंट इतना अच्छा है फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। हर एक स्टूडेंट, 2 से 3 स्टूडेंट गाइड करो यार। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि करंट अफेयर बहुत कम स्टूडेंट पढ़ना चाहेंगे, जबकि ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टफ टॉपिक है। ठीक है, इसको अपन आसान बना रहे हैं, आसानी से याद हो जाए ताकि क्लास के अंदर ही और कम टाइम में। मैं हर एक क्लास रहेगी 20 से 25 मिनट के अंदर, कोई कोई 15 से 16 मिनट में भी मैं करवा दूँ, फास्ट फास्ट करवा के। और संडे को वीकली करंट अफेयर भी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन 9th ऑफ मई के करंट अफेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंडियन कोस्ट गार्ड साइन एन एमओयू विद विच कंपनी फॉर इंडिजिनस मरीन ग्रेड स्टील टू एनहांस इंडिजिनस कंटेंट इन शिप बिल्डिंग। तो इंडियन कोस्ट गार्ड है जिंदल स्टील एंड पावर के साथ एमओयू किया है ताकि जो भी शिप बिल्डिंग है उसमें इंडिया का कंटेंट ज्यादा यूज हो, इंडिजिनस कंटेंट ज्यादा यूज हो, इसी के लिए जिंदल स्टील एंड पावर के साथ पार्टनरशिप की है। आप बात करें माइंडग्रोव यूज में क्यों था, कल माइंडग्रोव यूज में था, तो ये इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल एमसीयू चिप बना रहा है, इंडिया फर्स्ट कमर्शियल एमसीयू चिप बना रहा है। ठीक है, पुनीत बाला ग्रुप तो मैंने बहुत बार रटवा दिया आप लोगों को, ये इंडियन आर्मी के साथ मिलके इंडिया का पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना रहा है पुणे के अंदर। और ये तो रट लेना, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ये आएगा डेफिनेटली। ठीक है, एशियन स्टार अभी न्यूज में क्यों था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस दिया है। ठीक है, जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है ये, क्लियर हो गए 3 क्वेश्चन एक साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 5th ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान वॉज हेल्ड इन दिस सिटी। इंडिया भूटान के बीच में 5th ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम की मीटिंग कहाँ हुई है, वो हुई है लेह लद्दाख। ठीक है, अब बात करें अपन मुंबई न्यूज में क्यों था, क्योंकि मुंबई में हुई है 12th मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कर्मयोगी भारत। 12th मीटिंग हुई है कर्मयोगी भारत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कर्मयोगी भारत। ठीक है, और रांची में क्या होगा, रांची में नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप होगी, नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप होगी 24-25 में, वो रांची में होगी। ठीक है, गुवाहाटी में क्या होगा, गुवाहाटी में होगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ का वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप होगी 2025 के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। प्लस अभी इंडियन सुपर लीग हुआ है, यहाँ पर देखते हैं, इंडियन सुपर लीग हुआ है, उसको मुंबई एफसी ने जीता है, हराया है मोहन बागान एफसी को। ठीक है, और इंडिया भूटान के बीच में जो जेसीसी मीटिंग हुई है उसमें न्यू ट्रेड रूट्स के बारे में बात हुई है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन इन्हीं के बारे में बात हुई, बट आपको ये याद रखना है कहाँ हुई है, लेह लद्दाख में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ एडिशनल शेयर इन विच कंपनी बाय ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और कौन सी कंपनी में एडिशनल शेयर लेने जा रही है, तो वह सिक्किम ऊर्जा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और अभी REC लिमिटेड है, इसकी सब्सिडरी ओपन होने वाली है, सब्सिडरी ओपन के लिए RBI ने अप्रूवल दे दिया, ये गिफ्ट सिटी में अपनी सब्सिडरी ओपन करेगा, गिफ्ट सिटी में। ठीक है, और अभी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलके एक हैकाथॉन लॉन्च किया, स्टेकाथॉन 2024 स्टार्ट किया है, कहाँ किया है, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी ब्रो ने सेलिब्रेट किया इसका रेजिंग डे। ब्रो क्या है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, ये ध्यान रखना। तो
BRO का कौन सा रेजिंग डे था? तो वो था 65th रेजिंग डे था, 65वां रेजिंग डे मनाया BRO का। हर बार 7 तारीख को भी रेजिंग डे आता है इनका, 7 मई को। अभी देखो यहाँ नंबर्स आए तो अपन याद कर लेते, कोई इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो प्रेस को कितनी आजादी है बोलने के लिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इंडिया में तो प्रेस को कितनी आजादी है आप लोगों को भी पता है, इसलिए इंडिया की रैंक 159 है आउट ऑफ 180, ठीक है। और लास्ट ईयर कितनी थी इंडिया की रैंक? लास्ट ईयर थी 161, ओके। लास्ट ईयर से तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए अपन। और 152 है पाकिस्तान की, 150 है श्रीलंका की, ओके। नंबर 1 पे है नॉर्वे, नंबर 2 पे है डेनमार्क और नंबर 3 पे है स्वीडन। मैं बोल रहा हूँ ना आप कंटिन्यू जुड़ते रहो, करंट अफेयर ऐसा याद होगा ना आपको, एग्जाम में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में क्यों भागना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि फर्स्ट ट्रैफिक पार्क कहाँ बन रहा है यूपी का, ठीक है। एक सेकंड की नहीं चल रही थी। फर्स्ट ट्रैफिक पार्क यूपी का कहाँ बन रहा है? तो वो बन रहा है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकंड, इसी में अब थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं अपन। अभी अपन ने देखा था कल मियामी ओपन, मियामी ग्रांड प्री किसने जीता है? ग्रांड प्री तो ये जीता है मैकलेरेन लेंडो नोरिस, मैकलेरेन लेंडो नोरिस, इन्होंने जीता है मियामी ग्रांड प्री, ठीक है। ये यूके के हैं, इन्होंने हराया मैक्स वेरस्टैपन को, मैक्स वेरस्टैपन जिन्होंने पोल पोजीशन ली थी इस रेस में। ये नीदरलैंड से है और रेडबुल के लिए कार चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यूपीज फर्स्ट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट विल बी स्टार्टेड इन विच सिटी? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यूपी का ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है गीदा गोरखपुर के अंदर, ठीक है। गीदा गोरखपुर के अंदर, बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी डिटेल कितनी लैंड वगैरह है वो याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बस यूपी का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ स्टार्ट हो रहा है? गीदा गोरखपुर। अब बात करें थोड़ा एडिशनल, तो देखो कल ही अपन ने पढ़ा है थॉमस कप और उबर कप, दोनों बैडमिंटन के कप हैं, किसने किसने जीते हैं, ठीक है। सबसे पहले थॉमस कप किसका होता है? ये मेंस के लिए होता है, उबर कप होता है वुमेन्स के लिए, ठीक है। दोनों जीते चाइना ने, उन्होंने दोनों में ही दोनों टीम ने डिफीट किसको किया? इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रभावातो, प्रभावो सुबियांतो, अपन ने पढ़ा था ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट याद कर लेते हैं अपन, कल का ही है, ठीक है। कौन अभी चेयरपर्सन बने हैं? चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक, स्पेशल अभी तो जून में ओलंपिक आ रहा है अपना, ओलंपिक का भी करंट अफेयर रेडी हो जाएगा अपने लिए। चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी, तो स्पेशल ओलंपिक जो है उसके चेयरपर्सन कौन बने एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल के? वो बने मल्लिका नड्डा, मल्लिका नड्डा, ठीक है, याद रहेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। हु हैज अज्यूम्ड द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वो बने प्रोफेसर मोहम्मद रिहान, ऑप्शन नंबर 3। अब बात करें मौसमी चक्रवर्ती क्या है, कौन है ये? तो ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ये अतनु चक्रवर्ती के मिलने वाले ही है। अतनु चक्रवर्ती कौन है? अतनु चक्रवर्ती है HDFC के चेयरमैन बने 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए। बस दिनेश के त्रिपाठी 26 नेवी चीफ बने हैं, नेवी चीफ। और वाइस चीफ कौन बने हैं? वाइस नेवी चीफ के वाइस कौन है, ठीक है, तो वो है कृष्ण स्वामीनाथन। और शुभ्रांशु शेखर को क्या बनाया है ये आप बताओ? ये है CMD ऑफ NSIC, CMD ऑफ नेशनल, CMD ऑफ नेशनल स्किल कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल इंडिया कॉरपोरेशन के NSIC के हेड बने हैं शुभ्रांशु शेखर। ये पेन बहुत थोड़ा ज्यादा ज्यादा ही मोटा चल रहा है, इसको थोड़ा पतला करेंगे, कल ट्राई करेंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 में है, गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन हैज अपॉइंटेड विच कैंडिडेट टू बूस्ट वोटर टर्नआउट, वोटर के अवेयरनेस बढ़ाने के लिए गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन से क्रिकेटर को अपॉइंट किया है एज एम्बेसडर, तो वह है चहल, चंचल चहल, युजवेंद्र चहल, ये पहले क्रिकेटर हैं आईपीएल में जिन्होंने 200 विकेट लिए हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे बन गए हैं पीयूष चावला, 183 विकेट लिए हैं उन्होंने। युवराज सिंह को भी एम्बेसडर बनाया है, एम्बेसडर फॉर T20 वर्ल्ड कप, मैच T20 वर्ल्ड कप 2020-24 जो वेस्ट इंडीज और यूएस में होने वाला है, ठीक है। और युवराज सिंह के साथ क्रिस गेल भी हैं, यूनियर्स बोस और उसेन बोल्ट भी हैं, तीन लोगों को बनाया है। साना मीर को क्या बनाया, साना मीर को वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी होगा इसी साल, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के क्वालिफायर का ब्रांड एम्बेसडर है, जो क्वालिफायर है उनके ब्रांड एम्बेसडर है। और ये कहाँ होगा वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ये बांग्लादेश में होगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से याद हो गए अपने। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते, विच कंट्री हैज अनवील्ड एन एआई जनरेटेड स्पोक्स पर्सन, एआई जनरेटेड स्पोक्स पर्सन अनवील किया है, उसका नाम है विक्टोरिया शी, दैट विल नाउ मेक ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री के बिहाफ पे यही रिप्लाई देंगे विक्टोरिया शी, ये एआई जनरेटेड स्पोक्स पर्सन है, आंसर है यूक्रेन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया और नेपाल ने भी एमओयू किया है टू एनहांस ऑडिटिंग, ऑडिट को और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए आपस में एमओयू किया है, ठीक है। यूएई का जो यूएई इंडिया का फिर इंडिया नहीं सॉरी वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल बना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल बना रहा है, एयरपोर्ट टर्मिनल बना रहा है यूएई, ठीक है, याद रहेगा। और यूएई के अंदर ही गल्फ यूथ गेम्स, यूएई में भी फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स होने वाले हैं, कल गल्फ यूथ गेम्स इनॉग्रल गल्फ यूथ गेम्स का होंगे यूएई के अंदर, तो देखो कितनी अच्छे से रिलेट हो रही है क्लास है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन द मेकिंग आयुष्मान कार्ड इन बिहार, आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा बिहार में है, किसने बनाए, वो बनाए पटना, ओके। तो अब बिहार का भी खेला कर लें अपन, बिहार न्यूज में क्यों क्यों था, बिहार की कल ही न्यूज थी, फर्स्ट स्टेट है इंडिया के अंदर टू डेवलप, फर्स्ट स्टेट टू डेवलप क्लाइमेट रेजिलियंट पाथवे, क्लाइमेट रेजिलियंट रेजिलियंट पाथवे बनाने वाला पहला स्टेट कौन सा है, बिहार। प्लस आहार पाइन फॉर इरिगेशन के लिए किसने स्टार्ट किया है, आहार पी वाई यानी पाइन फॉर एग्रीकल्चर इरिगेशन, ये भी बिहार ने स्टार्ट किया है, ठीक है। और अभी आईआईटी पटना को पेटेंट से अवॉर्ड किया है, पेटेंट मिला है आईआईटी पटना को, पेटेंट मिला है फॉर कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर के लिए, फॉर कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर। चलो अब होमवर्क के अंदर आप बताना आईआईटी गुवाहाटी ने अभी क्या डेवलप किया था, जो मैंने बोला था आईआईटी गुवाहाटी ने भी रिसेंटली क्या डेवलप किया था आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। प्लस इरिक्शन इंडिया के साथ एक क्वेश्चन और बताना, इरिक्शन इंडिया के साथ कौन सी आईआईटी ने पार्टनरशिप की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने रिवाइज की है इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 25 की जीडीपी ग्रोथ रेट, कितनी की है, फाइनेंशियल 25 की इंडिया की ग्रोथ रेट बताइए 7.1%, ठीक है। और ओईसीडी ने भी अभी एडिट की थी, प्रोजेक्ट की थी ओईसीडी ने, वो कितनी की थी, वो की थी 6.6%। क्वेश्चन नंबर 12, हु कंडक्टेड बॉम्बी बकेट ऑपरेशन टू डोज नेशनल, सॉरी नेशनल नहीं है, नैनीताल फॉरेस्ट फायर, नैनीताल के अंदर क्या अभी आग लग गई थी, अपन ने पढ़ लिया सॉरी। तो बॉम्बी बकेट ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे MI-17/15V हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया था, तो इंडियन एयरफोर्स हैज डिप्लॉयड MI-17V5 हेलीकॉप्टर टू अंडरटेक बॉम्बी बकेट ऑपरेशन टू डाउस द फॉरेस्ट फायर नियर नैनीताल, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करें यही इंडियन नेवी ने भी, इंडियन नेवी के INS सह्याद्री ने पार्टनरशिप ली, पार्टिसिपेट किया सह्याद्री ने इन यूके लिटोरल ग्रुप मेरीटाइम एक्सरसाइज, यूके के लिटोरल ग्रुप मेरीटाइम एक्सरसाइज में, मेरीटाइम एक्सरसाइज इंडियन आर्मी वापस वही पुनीत बाला ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन पार्क पुणे, ये तो हटा दिया मैंने,
इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी आईसीजी ने अभी जिंदल स्टील, पहले ही क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था वो भी रिवाइज कर लेते हैं, जिंदल स्टील एंड पावर के साथ एमओयू किया है, जिंदल स्टील एंड पावर, ताकि इंडिजिनस जो कंटेंट है ना, इंडिजिनस इंडिजिनस कंटेंट यूज हो शिप बिल्डिंग में, यूज हो इन शिप बिल्डिंग, तो जो भी शिप वगैरह बने वो इंडिया का ही कंटेंट यूज करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Who won men's high jump event at US ATF festival? US ATF festival में high jump किसने जीता है? वो जीता है तेजस्वी शंकर जी ने। ओके और US ATF festival कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है टक्सन एरिजोना यूएसए के अंदर, टक्सन एरिजोना यूएसए में हो रहा है। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू को भी थर्ड ग्रैंड मास्टर मिला है, बने हैं थर्ड ग्रैंड मास्टर बाई फ्रीडे। इनसे पहले कौन बने हैं? कोनेरू हम्पी नंबर वन। कमेंट सेक्शन में बताना वैशाली रमेश बाबू कौन से स्टेट से हैं, कोनेरू हम्पी और ये चेस से ही है। और सेकंड नंबर पे हरिका द्रोणावली, इन दोनों के बाद थर्ड नंबर पे वैशाली रमेश बाबू। सौरव घोषाल ने भी स्क्वेश से रिटायरमेंट लिया है, वर्ल्ड स्क्वेश फेडरेशन का हेडक्वार्टर हेस्टिंग यूके। मैकलेरन लेंडो नोरिस ने भी मियामी ग्रैंड प्री जीता है, मियामी ग्रैंड प्री का टाइटल जीता है। मैक्स वेरस्टापन को हराया है। बस नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक टू इन विच सिटी, गगन स्ट्राइक इन विच स्टेट, तो पंजाब में हो रही है। ठीक है, इंडियन आर्मी की खरगर कोप्स पार्ट ऑफ आर्मी वेस्टर्न कमांड रिसेंटली कंक्लूडेड 3 डे। ठीक है, तो बस इंडियन आर्मी कौन सी कोप थी? खरगा कोप्स ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर गगन स्ट्राइक टू एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है। ठीक है, अब बात करें कल परसों मैंने पढ़ा था इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर यूएवी। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम है FWD 200B, 200B है। और ये कहाँ इनॉग्रेट किया है? बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, कौन सी कंपनी ने किया? फ्लाइंग वेज एंड डिफेंस एरोस्पेस, फ्लाइंग वेज एंड डिफेंस एरोस्पेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। पाकिस्तान लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर लूनर मिशन आई क्यूब कमर इन कोलेबोरेशन विद विच कंट्री, तो कौन देगा पाकिस्तान का साथ? वन एंड ओनली चाइना। चाइना के साथ मिलके ही पाकिस्तान ने आई क्यूब कमर लूनर मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, 7 किलो की सेटेलाइट है। ओके, बाकी डीप में नहीं जाना है। और चाइना ने अभी रिसेंटली चेंगी सिक्स मिशन भी लॉन्च किया है, प्लस अंगूर क्लास सबमरीन पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया, अंगूर क्लास सबमरीन ये भी पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया। ठीक है, अब हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में है विच स्टेट लॉन्च स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इन रिलीफ कैंप्स, तो अच्छा क्वेश्चन है। स्कूल ऑन व्हील्स लॉन्च किया है मणिपुर ने। ठीक है, अभी उत्तराखंड न्यूज में क्यों था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। उत्तराखंड ने इंडिया का पहला इंडिया फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन स्टार्ट किया है, एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन स्टार्ट किया है यूके ने, उत्तराखंड ने। उसका नाम है नक्षत्र सभा, स्पेलिंग में थोड़ी सी एरर हो सकती है। नक्षत्र सभा लॉन्च किया है यूके ने, इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन है। क्वेश्चन नंबर 17, विजय ने अभी इंडिया का कंट्री मैनेजर किसको बनाया है? तो बनाया है सुजय रैना को बनाया है। और ग्रुप कंट्री मैनेजर कौन है फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया के लिए? वो संदीप घोष। और इंडिया का कंट्री मैनेजर कौन है विजय के? वो है सुजय रैना। ठीक है, जीना जस्टिस को क्या मिला? कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड दिया है फॉर मीना रीजन, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन के लिए। ठीक है, मलिका नड्डा को क्या बनाया है? इनको चेयरपर्सन बनाया है, अभी पढ़ना पड़ा है, चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक
स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी ग्रुप, एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन बने पूर्व निमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर वाइटले अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर वाइटले अवार्ड दिया है यूके गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम ने दिया है। ठीक है, 1,00,000 GBP मिलेंगे इसमें। ठीक है, और पूर्णिमा देवी बर्मन आसाम से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अभी हमजा यूसुफ है स्कॉटलैंड के जो लीडर हैं, उनको किसने रिप्लेस किया है? वो किया है जॉन स्वेनी ने। ठीक है, जोश रोल्फ मुलिनो अभी किसके प्रेसिडेंट बने हैं? ये पनामा के बने हैं, पनामा। और पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन है? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑफ पाकिस्तान, तो वह इशाक डार। ठीक है, 18 क्वेश्चन हो गए। बैंकिंग ऑनर्स करते हैं, बैंकिंग ऑनर्स के भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। विच कंपनी हैज रिटेन इट्स लीडरशिप इन यूपीआई इकोसिस्टम विथ मार्केट शेयर ऑफ नियरली 40% इन अप्रैल? अप्रैल में जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं यूपीआई के, उसमें से 40% ट्रांजेक्शन कौन सी कंपनी के थे? तो वो है फोन पे के ट्रांजेक्शन काफी सारे थे। तो दोस्तों यार आप थोड़ा सपोर्ट करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर की टेंशन छोड़ दो। जैसे ही मंथ होगा एंड, तो मैं के नॉर्मल करंट अफेयर अलग करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस के अलग करेंगे, डेज अलग करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। बट यार आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, शेयर करो, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होगा। अभी रिसेंटली ICICI बैंक ने लॉन्च किया है, अभी इनेबल किया है, यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन इनेबल किए हैं फॉर NRI कस्टमर्स, NRI अकाउंट होल्डर्स फ्रॉम विद ईयर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर, विद इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से भी वो यूपीआई कर सकते हैं मोबाइल नंबर। तो अच्छी न्यूज है, याद करने वाली थी तो मैंने करवा दी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, RBI ने भी रेस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं BOB वर्ल्ड मोबाइल ऐप से, और ये तो बहुत ही न्यूज में था, बहुत ज्यादा खेल हो गया था BOB वर्ल्ड का। तो कौन से बैंक का है ये? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है, BOB वर्ल्ड नाम से पता चल रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली इंडिया और गाना ने MOU एग्रीमेंट किया है टू ऑपरेशनलाइज इंडियाज पेमेंट सिस्टम UPI। तो UPI स्टार्ट करने के लिए गाना के साथ भी पार्टनरशिप हो गई है, इंडियाज पेमेंट सिस्टम। UPI कितना खतरनाक बनाया है यार, सारे देशों को इंडिया पहुंचा रहा है ये लोग, UPI। तो इंडिया ने काफी अच्छी चीज बनाई, इंडिया ने ये वाली चीज। तो इंडिया नाइजीरिया के साथ भी एक MOU किया है ताकि ये लोकल करेंसी सेटलमेंट, इन्होंने लोकल करेंसी सेटलमेंट एग्रीमेंट किया है, करेंसी सेटलमेंट एग्रीमेंट किया है टू ट्रेड इन डोमेस्टिक करेंसी, टू ट्रेड इन डोमेस्टिक करेंसी, जो भी ट्रेड हो रही है वो डोमेस्टिक करेंसी में करने के लिए, लोकल करेंसी सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए इंडिया और नाइजीरिया ने आपस में एमओयू किया, ताकि जो भी ये ट्रेड करे वो लोकल करेंसी में कर पाए, बस सीधा सा मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, RBI इज इंस्ट्रक्टेड NBFCs टू स्टिक टू लोन कैश आउट कैश पे आउट लिमिट ऑफ हाउ मच इन कैश लोन्स। कैश लोन में कैश पे आउट लिमिट कितनी रखनी है, RBI ने बोल दिया क्लियरली NBFC को। तो इम्पोर्टेंट न्यूज है, वो है 20,000 rupees। ठीक है, 20,000 rupees। अभी JNAI क्रेडिट एजेंट सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया? JNAI क्रेडिट एजेंट सॉल्यूशन, उसका नाम है क्रेडिट एक्स। तो ये लॉन्च किया और ये पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए लॉन्च किया, गैलिटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अभी कौन सी फिनटेक को RBI से लाइसेंस मिला है एज ए वर्क टू वर्क एज ए NBFC, NBFC के जैसे वर्क कर सकती है? तो वो है गेट वेंटेज। ठीक है, और अभी माई शुभ लाइफ को एक्वायर किसने किया है? माई शुभ लाइफ को कल ही पढ़ने पड़ा है, इसको एक्वायर किया है 64:36 के रेशियो में, तो वो किया है यूग्रो कैपिटल ने एक्वायर किया है। ठीक है, और अब अभी रिसेंटली क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग के बारे में बात करें, क्रेडिट कार्ड का जो खर्चा है स्पेंडिंग बढ़ते ही जा रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में था लगभग 14 ट्रिलियन के आसपास, फाइनेंशियल ईयर 24 में हो गया 18.26 ट्रिलियन डॉलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
आरबीआई अलाउज स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स टू बोरो इन विच करेंसी। तो एसपीडी की फुल फॉर्म भी याद रखना, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर को बोरो करने के लिए अप्रूव कर दिया है, तो वो है फॉरेन करेंसी के अंदर, फॉरेन करेंसी, ठीक है। और अभी रिसेंटली ग्रो म्यूचुअल फंड ने, ग्रो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, फर्स्ट बैटरी लो हो गई है यार, फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स, फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स। जल्दी करते हैं बंद होने से पहले, कंज्यूमर इंडेक्स फंड, फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड किसने किया है, ग्रो म्यूचुअल फंड ने। लास्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक की में कितनी ग्रोथ हुई है इन नॉन फूड बैंक क्रेडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। फाइनेंशियल ईयर 24 में नॉन फूड बैंक क्रेडिट में कितनी ग्रोथ हुई है शेड्यूल कमर्शियल बैंक लिए, वो तो 16.3% हुई है, और जो 15.4% थी फाइनेंशियल ईयर 23 में, ठीक है। और यस बैंक ने एएनक्यू के साथ मिलकर पाई और फी ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।